हमारा फैसलबर्ड। इस समय की बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के शोपियन इलाके से, ये खबर आ रही है शोपियन के इमाम साहब इलाके से, ये खबर आ रही है जहां पर अभी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन इनकाउंटर शुरू हुआ है। और बताते चले कि इस इनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर आ रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के शोपियन जिले से, ये खबर आ रही है शोपियन के इमाम साहब बस्ती से, ये खबर आ रही है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन इनकाउंटर शुरू हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस फौज की 44 आरआर और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इतला पर एक मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की है। और इन्होंने कहा कि जो ही फोर्सेज जाई मुकाम की तरफ पहुंची तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग की है, इन पर गोलियां चलाई है और जिसके जवाब में इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। फिलहाल जराये के मुताबिक बताया जाता है कि इस इनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए बैठे हैं और मजीद तफसीलात का अभी इंतजार रहेगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि जनूबी कश्मीर के शोपियन जिले के इमाम साहब बस्ती से ये खबर आ रही है जहां पर अभी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन इनकाउंटर शुरू हुआ है। आप देखते रहे जेके अपडेट, मजीद अपडेट के लिए आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।